गुड इवनिंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। देखिए फ्रेंड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम जो आपका सिस्मोलॉजी है 511 कोड है मैथ का, उसके चार इम्पोर्टेंट थ्योरम, जैसा कि हमने वेव टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है, अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो इधर आई के बटन पे लिंक दे दिया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक करेगी और मैं ऐसे ही इसके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पार्ट बनाऊंगा, आप सभी पार्ट देख लीजिएगा, आपकी एक यूनिट जो है वहाँ से कवर हो जाएगी। चलिए हम चार टॉपिक करते हैं। फर्स्ट इज वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ क्या होता है। सेकंड करेंगे टाइम पीरियड, थर्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ करेंगे वेव नंबर। ठीक है, हम वेलोसिटी प्रोफाइल कर चुके थे, वो फर्स्ट वीडियो में कर चुके थे, वो देख लीजिएगा। हम जब यहाँ पे वेवलेंथ करेंगे वो वेलोसिटी प्रोफाइल से ही कुछ ना कुछ वहाँ से टेक आउट करेंगे लेंगे। देखिए वेवलेंथ क्या होता है पहले समझ लीजिए। वेवलेंथ होता है, इट इज ए डिस्टेंस, इट इज ए डिस्टेंस, इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव प्रोफाइल। समझिएगा, हमने एक दीवार ली थी, उससे एक रस्सी अटैच की थी, यहाँ पे ऑब्जर्वर रखा था और ऑब्जर्वर को बोला था कि आप वेव प्रोड्यूस करें, कैसे रस्सी को अप डाउन करें, तो क्या होगा, यहाँ से जब ये रस्सी को अप डाउन करेंगे तो वेव बननी स्टार्ट हो जाएगी, ये अप पार्ट, ये डाउन, ऐसे ही ये अप डाउन, अप ऐसे ही डाउन, ठीक है, ऐसे ही जो ये नीचे होगा, जितना अप करेगा ये इधर नीचे से डाउन करेगी, ये ऐसे जी राइट, ऐसे एंड ऐसे एंड ऐसे। इन्होंने क्या कहा है, जो वेव लेंथ है ये डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, जो दो सक्सेसिव हैं, देखिए फर्स्ट ये है एंड सेकंड ये है, इन दोनों के जो बीच की ये दूरी होती है, देखिए ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आप वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वेवलेंथ की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है ये हाफ सर्कल अपर पार्ट में है और हाफ सर्कल लोअर पार्ट में है, अगर इन दोनों पार्टों को ऐड कर दिया जाए तो पूरा सर्कल हो जाता है और पूरे सर्कल का आपको एंगल पता है कितना होता है, 360 होता है, या इसको 2π नाम दे सकते हैं। इज इट राइट, हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, उसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, हम इसका जो है वेवलेंथ को मैथमेटिकल रूप से जो है डिस्क्राइब करेंगे, लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या थी फ्रेंड, जो वेलोसिटी प्रोफाइल थी, यानी कि जो आपकी प्रोग्रेसिव वेव थी, उसके अंदर साइन या कोस का मर्ज हो जाना, ए टाइम्स कोस ऑफ एम एक्स माइनस सी टी डैश। अगर फ्रेंड ये इक्वेशन नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो इधर आई के बटन पे लिंक दे दिया है, वहां जाके देख लीजिएगा, ये मैंने प्रूफ करवाई है वहां पे। अब देखिए फ्रेंड, जो आपकी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, इसको एक इक्वेशन नाम दे दीजिए,
अगर इसके एंगल में आप वो जो 2π आया था पूरा सर्कल वो ऐड कर दे, एंगल ऐड कर दे, फॉर एग्जांपल phi इज इक्वल टू a cos m टाइम्स x माइनस ct डैश में ऐड कर दें 2π, देन a cos, ये m है ना, ये दोनों में से कॉमन ले लो, m बाहर ले लेंगे, ये यहां से तो बाहर ये एज इट इज आ जाएगा ct डैश, बट यहां से m बाहर आने का मतलब है m से डिवाइड होना। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू a cos m टाइम्स x प्लस 2π बाय m माइनस ct डैश। जो ये टर्म है 2π बाय m, ये इक्वेशन सेकंड लिखेंगे यहां पे फ्रेंड, हम वेवलेंथ कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड द टर्म 2π बाय m इज कॉल्ड वेव लेंथ एंड डिनोटेड बाय लैम्डा सच दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2π बाय m। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। लैम्डा इज इक्वल टू 2π बाय m को बोलते हैं वेवलेंथ। अब नंबर आता है टाइम पीरियड का। आई थिंक सो वेवलेंथ आपको आ गया होगा समझ में। जो आपका सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है अगर उसके एंगल में 2π ऐड कर दिया जाए तो वहां से जो इक्वेशन आती है उसकी एक टर्म ये बनती है, इस टर्म को ही आप क्या बोलोगे, वेवलेंथ बोलोगे। अब आता है टाइम पीरियड सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है फ्रेंड, इसको आप कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं टाइम पीरियड को। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा बाई सी, इट मीन्स जो आपकी वेवलेंथ आई है उसको अगर सी क्या है, वेलोसिटी है किसकी, जो एनर्जी या फिर डिस्टरबेंस मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी सी है, अगर वेवलेंथ को वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया जाए फ्रेंड तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो वहां से क्या आ जाता है आपका टाइम पीरियड। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी, थर्ड नंबर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम फ्रॉम ए पार्टिकल, इज इट राइट। तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम इन ए सिंगल पार्टिकल, इज इट राइट। भाई नंबर ऑफ वेव जो, देखिए क्या था, ये था वेव, एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल के अंदर से जितनी बार ये वेव पास करी है एक यूनिट टाइम के अंदर उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, भाई कितना फास्ट चल रही है वेव, ठीक है, और डिनोटेड बाय एन, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन देख लीजिए फ्रेंड,
एन इज इक्वल टू 1/T होता है पर यूनिट टाइम, बट आपको पता है टी है टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किसके इक्वल था, टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई सी के इक्वल था। अब देखिए 1/T है तो ये भी रोटेट हो जाएगा, ये सी बाई लैम्डा हो जाएगा। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया, हम क्या निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन। बट आपको यहां पे पता है सी बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2π/m, 2π/ इस लैम्डा की वैल्यू रख लीजिए m, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, देखिए यहां से फ्रेंड एम सी बाई 2π इज इक्वल टू n, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2πn इज इक्वल टू एम सी, पुट एम सी इज इक्वल टू w, देन 2πn इज इक्वल टू w, बट n की वैल्यू क्या है फ्रेंड 1/T, देन 2πn की वैल्यू 1/T रिप्लेस कर दीजिए, इसको आप बोलोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π/T, इज इट राइट। और ये टी क्या है, टाइम पीरियड है, याद रखना, एक छोटा टी डैश है वो नहीं लेना। इसके बाद वेव नंबर देखिए क्या होता है फ्रेंड, वेव नंबर आपका होता है के इज इक्वल टू 1/ जो आपकी वेव लेंथ आई थी, वेव लेंथ क्या आई थी आपकी, लैम्डा इज इक्वल टू 2π/m, ये आपकी वेव लेंथ आई थी, ये क्या होता है के होता है। और हमने क्या निकाला था, टाइम पीरियड लैम्डा बाई सी निकाल लिया था, इज इट राइट। अब एक रिलेशन बनाते हैं यहां से, समझिएगा, आपको ये तो पता है यहां पे भाई जो वेव नंबर है उसको के से डिनोट करते हैं, और वो वेव नंबर 1/λ होता है। फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, देखिए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या कहती थी, phi इज इक्वल टू ए कोस एम टाइम्स एक्स माइनस सी टी डैश, इज इट राइट। सी टी डैश मीन्स यहां पे सी क्या था, डेफिनेट था, ठीक है। देन phi इज इक्वल टू ए कोस, जो ये एम है आपका, ये 2π/λ, एंड एक्स की वैल्यू, अब देखिए यहां से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स के, तो यहां पे इनटू 1 लिख सकते हैं, 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लैम्डा टाइम्स के माइनस माइनस सी की वैल्यू निकाल लीजिए लैम्डा बाय टी, बट यहां से आपको पता है 1/T, सी की वैल्यू निकाल लीजिए लैम्डा बाय कैपिटल टी इंटू टी डैश। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए कोस 2π, अब देखिए जब ये लैम्डा अंदर जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहां पे के रह जाएगा माइनस, सॉरी एक्स है, ये एक्स है यहां पे, ठीक है फ्रेंड। तो 1 की वैल्यू क्या आई थी, के टाइम्स लैम्डा, यहां पे के भी है, ठीक है, तो के एक्स हो जाएगा। और यहां से लैम्डा 1/T इंटू टी डैश, बट आपको पता है 1/T किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, ए कोस 2π के एक्स माइनस एन टी डैश। फ्रेंड जो ये रिलेशन है, जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, किस किस की हेल्प से, के बी द वेव नंबर एंड टी बी द टाइम पीरियड, दोनों की हेल्प से हम जो है ये एक न्यू इक्वेशन निकाल सकते हैं, किसकी, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की। ये भी आपकी आगे जो है इस इक्वेशन की हेल्प से आगे आपके जो है डेरिवेशन चलेंगे, जो हम जो है जो वेव इक्वेशन निकालेंगे किसमें, 2D में एंड 3D में, इज इट राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेव इक्वेशन के साथ।
अगर चैनल मेरा पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अगेन।